आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देखिए आज 6 नवंबर की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। निवाड़ी बोरवेल में फंसे 3 साल के बच्चे का रेस्क्यू अभी तक जारी। रेस्क्यू कार्यस्थल पर सरकार ने धारा 144 लगाई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई गई। भोपाल आयकर विभाग का छापा। भोपाल और रायपुर में कंपनी के ठिकानों पर छापा। व्यापक और ASA ग्रुप के 2 ठिकानों पर छापेमारी। रायपुर में भी विज्ञापन कंपनी के ठिकानों पर छापा। ग्वालियर तल घरों की वर्तमान स्थिति जानने के लिए समिति का गठन किया गया। हाई कोर्ट ने निगम से मांगी थी शहर में बने तल घरों की जानकारी। नगर निगम से जानकारी नहीं मिलने पर हाई कोर्ट ने बनाई जांच समिति। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को दी अवैध तल घरों पर कार्यवाही की जिम्मेदारी। भोपाल उपचुनाव नतीजों से पहले फिर उठा दल बदल का मुद्दा। रामपाल सिंह ने कहा कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। विधायकों को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा है। कई नाराज विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुणाल चौधरी ने कहा बीजेपी ने फिर से खरीद फरोख्त शुरू की। बीजापुर CRPF के जवान श्री गोपाल की मौत। शिकार के लिए बिजली के फंदे में फंसकर हुई मौत। बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले थे श्री गोपाल। हेलीकॉप्टर से जवान का पार्थिव शरीर भेजा गया। भोपाल खरीफ उपार्जन धान मिलिंग नीति की CM ने की समीक्षा। CM शिवराज ने विभागों को दिए कई निर्देश। मिलर से एक अच्छी क्वालिटी का चावल लिया जाए। CM शिवराज ने कहा मिलिंग कंट्रोल आर्डर में संशोधन किया जा रहा है। किसानों को उपलब्ध कराई जाए खाद। शिवराज सरकार ने फिर लिया 1000 करोड़ का कर्ज। सरकार ने 20 साल के लिए लिया 1000 करोड़ का कर्ज। कर्मचारियों को देनी है 7वें वेतनमान के एरियर्स की 3री किस्त। कर्मचारियों को दिवाली से पहले 10,000 रुपए एडवांस भी देना है। सरकार पर करीब 750 करोड़ का आ रहा है अतिरिक्त भार। रायपुर संविलियन की मांग को लेकर विद्या मितानों का प्रदर्शन। भीख मांग कर सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। विद्या मितानों ने कहा भीख के पैसों से ही मनाएंगे दिवाली। भीख के पैसों से दिवाली पर सरकार को भेजेंगे उपहार। भोपाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल दौरे का 2रा दिन। मध्य क्षेत्र कार्यकारी मंडल की बैठक लेंगे मोहन भागवत। CM शिवराज आज खाद्य विभाग के अधिकारियों से करेंगे चर्चा। CM 4 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक भी करेंगे। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक आज। बैठक में 29 मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में शामिल होंगे मंत्री TS सिंहदेव। बैठक में कोरोना संक्रमण के हालत पर होगी चर्चा। संक्रमण रोकने के उपायों पर भी होगी बातचीत। भोपाल राज्य सरकार ने शुरू की कोरोना वैक्सीन की तैयारी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। प्रदेश में 4 लाख हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले दी जाएगी वैक्सीन। राजस्व पुलिस अमले के साथ 50 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को दी जाएगी वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जनवरी में आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर पंपोर में एक आतंकवादी ढेर। कल शाम से चल रहा है एनकाउंटर। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी का अंत। अब भी जारी है आतंकियों से मुठभेड़।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दीपावली के पर्व पर आप अपने इष्ट मित्रों व देशवासियों को बधाई संदेश विज्ञापन के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमें संपर्क करें 7869349141 पर।